वाराणसी के सिकरा स्थित नानक नगर कॉलोनी में आज नवरात्र के पावन अष्टमी तिथि को होटल देव विला का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर होटल के अध्यक्ष प्रिंस राय ने बताया कि वाराणसी अत्याधुनिक व सांस्कृतिक नगरी है, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें घर जैसा अनुभव प्राप्त हो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह होटल खोला है। इस अवसर पर मुख्य रूप से वीरेंद्र प्रताप सिंह, अनिल राय, प्रमोद राय, प्रभा सिंह मिंटू, शरद पांडे, मुन्ना, अरविंद मिश्रा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कुमार राय है और मैं यहाँ पे क्षेत्र नानक नगर कॉलोनी सामने रेस लाइन के ठीक सामने आई पी माल के जस्ट पीछे, यहाँ से रोडवेज और ट्रेन की दूरी मैक्सिमम आपकी मुश्किल से 1 किलोमीटर होगी। ये जो देव विला के नाम से आपने आज ये होटल का शुभारम्भ किया है, किन किन सुविधाओं से लैस है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो साफ सफाई के हमारे यहाँ पूरी ध्यान दिया गया है और सारे एसी रूम हैं और टीवी, बेड, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ हाइजेनिक तरीके से सब कुछ। कितने तरह की रूम हैं यहाँ क्वालिटी में? क्वालिटी में रूम तो लगभग सारे एक जैसे हैं, कुछ 3 बेड हैं, कुछ 4 बेड हैं और कुछ डबल बेड भी हैं। ऐसे डीलक्स डीलक्स सुपर डीलक्स ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बेड एक्स्ट्रा है, बाकी सारी सुविधाएं सब सारे रूम। आज उद्घाटन के अवसर पर काशी की जनता से क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारे काशी में बाबा विश्वनाथ और काशी के नगरी मंदिरों का शहर है और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लाखों लोग हो जा रहे हैं। लगभग एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग बाहर से प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई त्यौहार हो नॉर्मल हो, तो हम कहा सब बाहर की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए सब करना चाहिए।